ये देख लो, हमें ना अभी ट्रैवलर्स दिख रही है। देख लो बाहर से आई है ये कार, देखो मस्त बनी हुई है। तो इधर फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं रिलायंस मॉल एंड कार पार्क कर दिए। बाकी फिलहाल मम्मा पापा हो जा रहे हैं, अब चलते हैं ऊपर एंड सूटकेसेस वगैरह देखने, तो वो देखते हैं। अभी हम नई न्यू लेके भी आ गए ऑटोमेटेड, फिर भी बाकी फ़िलहाल अभी ना मैं यहाँ पर देख रहा था ये अपने ईयरफोन्स वगैरह, मुझे पता दिलाने तो है नहीं बट चलो देखने में क्या है। तो वैसे अभी फ़िलहाल भूख लग रही तो एक बर्गर लिया इनमें से, दो लिए, एक मम्मा के लिए, बाकी मम्मा पापा वहाँ पर सूटकेस वगैरह देख रहे। फिलहाल मुझे ना ये दो पसंद आए, एक तो इसमें ये दूसरा लॉक है विदाउट जिप है और इसके नीचे भी लॉक है, मतलब ये दोनों हैं एक एक जैसी हैं एंड एक ये लॉक इसमें लॉकिंग सिस्टम है, बाकी ये दोनों सेम है। और इनके अभी सोच रहे हैं पापा और अम्मा कि ये दोनों ले लेते हैं एक बार के लिए। गाइस इसका अनलॉकिंग सिस्टम देखो, यहाँ से ये ऐसे अनलॉक होगा, ओपन होगा और यहाँ से ओपन होगा और यहाँ से ओपन होगा, तीन जगह ओपन होगा। ये देखो मुझे तो अच्छा लगा, बाकी इसमें स्पेस वगैरह अच्छी है। ये लिक्विड्स वगैरह की जिप आ गई, वो अलग से नेट को लिया, पाउडरी पॉपर वगैरह आ गई है उसमें और स्पेसर भी अच्छा है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैवी क्वालिटी है। और जैसे आप बात करते हैं जैसे सिंगल चैन आप बोल रहे हैं कि नहीं लेना, भी खुल जाती है, ठीक है, वो सिंगल चैन का डर होता है भी खुल जाती है, इसमें कोई चैन वगैरह नहीं होती, पूरा लॉकिंग सेटअप, मतलब कि खुलने का पूरा नहीं, एक बार लॉक हो गया तो पूरे का पूरा जबरदस्त है। तो वैसे अभी फिलहाल हम आप अभी ना राय चल रही है कि और कौन सा लिया जाए, बाकी फ़िलहाल ये प्राइस इसकी है 8500 इन दोनों, मतलब हाँ एक की, मतलब कलर तो सेम ही है, बाकी फ़िलहाल देखते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ दो के बाद हम 1000 लेस कर देंगे, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मम्मा पापा और भी देख रहे हैं बट मुझे ये पसंद आया। तो मैं आ चुका हूँ रिलायंस के शॉपिंग सेंटर से बाहर, तो फिलहाल अभी ना मैं जा रहा हूँ नीचे पार्किंग में, वहाँ से कार निकाल के मुझे जाना है बाहर गेट, मेन गेट पे, क्योंकि मम्मा की अपॉइंटमेंट है तो उनका, मतलब उनको थोड़ा गोल्ड वगैरह हो रखा था तो उसके लिए अपॉइंटमेंट उनकी, तो उनका चेकअप करवाने के बाद हम फिर से आएंगे एक बार। तो सूटकेस वगैरह तो देखे मैंने तो उसमें अच्छे भी लगे मुझे। तो वैसे फिलहाल मम्मा पापा आ चुके हैं, मैं पार्किंग में बैठा हुआ था, तो कार को निकालते हैं एंड अब चलते हैं सूटकेसेस वगैरह देखने के लिए। बाकी फ़िलहाल और मम्मा वगैरह से भी पूछना है और कहाँ चल। तो वैसे अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि अभी मैं आया हूँ घर पे, क्योंकि घर पे आना था रिलेटिव्स ने, तो अभी हम बस आधा या पौना घंटा लगा के उनके साथ बातें करके और उसके बाद जाएंगे मार्केट की तरफ। मार्केट में जाके तो सूटकेस वगैरह देखनी है, और फिलहाल चलो एक बार कार बंद करते हैं एंड चलते हैं गाइस ऊपर। बाकी फिलहाल अरमान भी आ गया था, मुझे नानी जी ने कॉल कर दिया था, अरमान आ गया था स्कूल से और वो चले गया था ट्यूशन। अब फिलहाल एक बार लॉक कर दी मैंने कार एंड चलते हैं गाइस ऊपर। सो गाइस इट्स 6:58 राइट नाउ एंड अभी रिलेटिव्स वगैरह आए थे, देख लो आप इनको, एंड ये आए थे मुझसे मिलने के लिए एंड आपको आगे की प्लानिंग पता ही है। ये है मेरी मामी जी, वो मासी जी हैं, ये मामा जी हैं, ये मामी मासी जी हैं, बाकी फ़िलहाल ये छोटी मामी जी हैं, अरमान ये आ गया। अभी फ़िलहाल चलते हैं एक बार, अभी ये चलो जा रहे थे मिलने, हमने मतलब बहुत बातें वगैरह की, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं सूटकेस वगैरह लेने के लिए क्योंकि पहले से मतलब 7 हो चुके हैं। तो वैसे अभी चले गए रिलेटिव्स वगैरह एंड अभी सीन ये बन रहा है, अभी मैं मम्मा और अरमान पापा, तो अब हम अभी हम चारों जा रहे हैं सूटकेसेस वगैरह लेने के लिए मेरे लिए, और मम्मा का ना फ़ोन ऊपर रह गया था, बाकी नानी जी घर पर ही हैं एंड आई थिंक थोड़े दिनों में ना नानी जी और मेरा पैन बन रहा है वापस मोहाली जाने के लिए, तो पहले ना एक बार फ़ोन उठाता हूँ मम्मा का एंड उसके बाद फिर चलते हैं। तो वैसे अभी मैं आ चुका था कार में और मम्मा और पापा और अरमान गए हैं सूटकेस देखने के लिए, मैं कार में इसलिए आया क्योंकि पार्किंग का ना बड़ा पंगा रहता है यहाँ पर बठिंडा में। तो अभी मैं मेन मार्केट में हूँ, तो यहाँ पर फ़िलहाल मतलब कार टो कर लेते हैं मतलब मिनटों में, और मतलब हो सकता ही हो गया इस बार तो। एंड अभी फ़िलहाल चलो मैं एक बार ना खड़ा हूँ एक साइड में एंड मम्मा अरमान और पापा आ रहे हैं थोड़ी देर में। मैंने एक लस्सी ले ली थी अपने लिए क्योंकि प्यास बहुत लग रही थी मुझे,
तो बस फिलहाल अभी थोड़ी देर में ना हम जा रहे हैं फिर रिलायंस की तरफ। रिलायंस मॉल में एक बार जो हम सूटकेस देख के आए थे तो एक बार वही प्लान कर रहे हैं कि वही ले लेंगे। बाकी अगर मम्मा को और पापा को अच्छा लगता है कोई यहीं पर सूटकेस मार्केट में तो यहीं से ले लेंगे फिर। तो वह कार को पार्किंग में ही ले आया हूँ, मेन पार्किंग में। तो ये मार्केट की एक इतनी बड़ी ये पार्किंग बनी हुई है सारी, तो इस पार्किंग में अभी कार पार्क कर देते। अरमान ये रहा, अरमान लेने आ गया था मुझे, तो अब चलते हैं बस कार पार्क करके शॉप पे। तो वैसे यहाँ पर कर दिया कार पार्क एंड अब चलते हैं। तो वैसे फिलहाल ये वाला कलर देख रहे हैं, बाकी मुझे वो वाला पसंद आया, ये दोनों ले रहे हैं अभी। तो एक बार एक और दिखाया, ये कौन सा भाई? ये नहीं यार, मुझे तो वो अच्छे लगे दोनों, रेड वाला और ब्लू वाला, वो दोनों देख रहे हैं, वो दोनों लेंगे फिर। तो वैसे इसको चूज़ किया इस वाले को, ये है 7 kg वाला। एंड इन दोनों को भी डिसलेक्ट किया क्योंकि इसमें ना इनके अंदर ये पॉकेट्स वगैरह नहीं है। फिर अभी फिलहाल इस स्किन में हमने ये 30 kg वाले मंगवाए हैं साथ में, तो इसी स्किन के है, तो मतलब ये वाले अब मैंने डिसलेक्ट कर दिए, तो इसके साथ क्या आ रहे हैं अभी। वैसे ये वाला आ गया सूट केस, तो ये ले रहे हैं एक, और एक साथ में अपने पास ये है। तो वैसे फिलहाल ये दोनों आ चुके हैं, एक ये वाला 30 kg वाले और उसके अंदर एक 7 kg वाला। तो वैसे ले लिए हैं सूट केसेस वगैरह, ये देखो इसमें एक और है 7 kg वाला, इसमें ये मेरे पास सिंगल ही है। एंड पार्किंग एरी, तो इसमें कार खड़ी है अंदर। तो गाइस चलते हैं, फिलहाल इस रख दिया डिग्गी में एंड दूसरा सूटकेस ये पड़ा। बाकी ये अरमान और पापा इधर किधर ही गए हैं अभी, तो इसको उधर करते हैं और बैठते हैं अंदर। तो गाइस पहुंच चुके घर पे एंड बूट खुल गई, अब लेके जाते हैं सूटकेस को। इस फिलहाल ये आ गए अपने बैग्स, अब देख लो लुक्स इनकी। तो भाई ये अपने सूटकेस, बाकी इनके साथ एक ये बबल रैप आया, ये देखो बड़ा मस्त लगता है यार। जब भी घर पे नई चीज आती है तो उसका जब भी जिसमें से भी बबल रैप निकलता है तो मैं उससे खेलने लग जाता हूँ। अभी डिनर वगैरह करते हैं, इट्स ऑलरेडी लाइक 8:34 नाउ एंड डिनर वगैरह करते हैं पहले और उसके बाद एडिटिंग, वही अपने सिंपल काम। गाइस अभी ना मम्मा पापा की ये भी राय चल रही है कि जो ये वाले बैग्स हैं ना, तो अभी मेरे पास एक ब्लू सूटकेस पड़ा है, तो उसमें मेरा सभी शॉपिंग का सामान पड़ा है, तो उसको एक बार इसमें डाल के देखता हूँ मैं। अगर सही आ गया तो यही वाले बैग्स रखेंगे, नहीं तो जो आपको मैंने पहले दिखाए थे ब्लू और रेड वाला, तो उनमें से या तो एक ही कलर लूंगा या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लूंगा। एंड एक बार ना इसी में वो जो सारा शॉपिंग का सामान है तो इसमें एक बार डाल के देखते हैं और देखते हैं कि सामान मतलब सही ढंग से कम्फर्टेबली आता है कि नहीं, क्योंकि बाद में जो कपड़े वगैरह हैं शॉपिंग के है ना, शॉपिंग में जो किया तो वो सभी होंगे वैक्यूम होंगे, तो वैक्यूम होने के बाद फिर इसमें जाके डलेंगे। तो एक बार फिर भी एक बार एस्टिमेशन से हो जाएगा इसमें डालने के बाद, पहले इस बैग में ना वो वाले शॉपिंग का सारा सामान एक बार डाल के देखते हैं। तो वैसे फिलहाल ये वाला बैग है वो, ये पापा लेके गए थे दुबई, तो तब उन्होंने तब लिया था, तो एक बार इसका जो सारा सामान है वो इसमें डाल के देखते हैं। तो भाई इसमें ये देखो सारा शॉपिंग का सामान पड़ा है, अब इसमें डालते हैं। तो ये फिलहाल ना इतना फुल हो चुका है, ये तो इतना भर गया, ये कुछ ज़्यादा ही भर गया, अब देखते हैं। वैसे एक और सूटकेस है तो उसमें भी अभी डालेंगे ना, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी इतना सामान तो हो गया, ये ऑलमोस्ट 90% है शॉपिंग का सामान, और अभी थोड़ा बहुत लेके आना तो वो उसमें आ सकते हैं। मतलब फिर जो भी एसेसरी वगैरह है वो इस जिप में डाल देंगे एक बार के लिए। फिलहाल ये एक ना लिफाफे हैं तो इसमें डालेंगे शूज़ वगैरह, और बाकी इसमें ना सभी सामान आ गया जो इसके अंदर था, बाकी इनमें ना अभी शूज़ वगैरह डालते हैं। शूज़ वगैरह वो देखो वो पड़े चारों डब्बे। तो वैसे ये देखो एक कम्बल इसमें वैक्यूम कर दिया अभी, मतलब वैक्यूम करना है अभी, बाकी उसमें डाल दिया, और ये जो पंप है इससे अभी इसके अंदर से हवा निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, इस पापा ने कल जाना है नागपुर के लिए निकलना है, तो उसके लिए एक बार पापा ना ये कंबल लेके जा रहे हैं, तो इसको और एक बार करके देखते हैं कि वैसे एक बार और मुझे भी लेके जाना है, तो एक बार हमें मतलब एक टाइप से एक डेमो मिल जाएगा। बाकी गाइस मैं शूज़ वगैरह डाल रहा हूँ, ये देखो दो शूज़ तो डाल दिए, और एक ये बॉटल पड़ी है, और ये वाली शूज़ को भी लिफाफे में डालते हैं। तो ये देख लो वैक्यूम करने के बाद कैसा हो गया, ये मतलब थोड़ा पतला हो गया, पहले इतना फ्लफी था ये। तो ये अभी फिलहाल डिनर हो चुका है रेडी, तो डिनर करते हैं पहले। ये मक्खन डाली अभी मैंने, दाल टेस्ट की थी तो सही बनी है, मन में नहीं। बाकी फिलहाल लेते हैं एक स्पून, छोटा ही बताएगा, एक स्पून रखते हैं और दाल बढ़ा।